दोस्तों, हमारे देश में ऐसे अनेक मंदिर जो अपनी अनोखी परंपरा व रहस्य के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है जो उज्जैन में स्थित है, जिसे भगवान काल भैरव के मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के संबंध में चमत्कारी बात यह है कि यहाँ स्थित काल भैरव की प्रतिमा मदिरा का सेवन करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुनावने। लेकिन मदिरा कहाँ जाती है, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। प्रतिमा को मदिरा पीते हुए देखने के लिए यहाँ देश दुनिया से काफी लोग पहुँचते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको काल भैरव के मंदिर के इस रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनोद सैनी और आप देख रहे हैं ब्लैक सीक्रेट ज्ञान यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से करीब 8 किलोमीटर दूरी पर क्षिप्रा नदी के तट पर काल भैरव मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है। स्टार्टिंग में यहाँ पर केवल तांत्रिकों को आने की अनुमति थी, लेकिन बाद में यह आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। यहाँ पर कुछ अरसे पहले तक जानवरों की बलि चढ़ाने की परंपरा थी, हालांकि अब यह प्रथा बंद कर दी गई है। लेकिन भगवान काल भैरव को मदिरा का भोग लगाने की परंपरा अभी भी कायम। काल भैरव मंदिर में भगवान को मदिरा पिलाने का चलन सदियों पुराना बताया जा रहा है, लेकिन यह कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ, यह आज तक कोई नहीं जानता है। आश्चर्य की बात यह है कि देखते देखते ही वह पात्र जिसमें मदिरा का भोग लगाया जाता है, वह पल भर में खाली हो जाता है। यह शराब कहाँ जाती है, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, काल भैरव के मंदिर के बारे में रोचक तथ्य जानकर आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बगल में जो घंटी का आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारी नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम शांति।